ये कौन सा फिल्म बुलाया मेहमान राहुल की पार्टी में आ गया, जो जाते जाते धमकी दे गया, फिर न जाने कहां से दादी माँ घर आई, मगर राहुल की तो दादी माँ है ही नहीं। कौन है वो औरत जिसके आने पर राहुल की दुनिया पलट गई? क्या ये सब एक इत्तफाक है या वो दोस्त पूरा कर रहा है अपना बदला? शहर के शोर शराबे से एकदम दूर एक सुनसान जगह पर एक घर था। वहां पर कुछ दोस्त बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऐसे ही खाना वाना खाकर गप्पे मारते हुए बाहर कॉफी पीते हुए बैठे थे और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन सबको नहीं पता था कि कोई और भी है जो उन्हें मिलना चाहता है। और वो आदमी धीरे 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 घर के अंदर घुसकर बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ये सब लोग अपनी बातों में मदहोश थे। और उसने काले कलर का कोट पहन रखा था, उसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खून सवार था। और वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो आ रहा है, और वो इन सबके एकदम करीब आ चुका था। और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर जाकर रुकी कि उस शैतानी आत्मा ने अपने पहले शिकार को पकड़ा। शांतनु, तू? अरे हाँ यार, मैं ही हूँ। तुम सब लोग घबरा क्यों रहे हो? तू ही आया कैसे? अरे यार, दरवाजा खुला था, मैंने तुम लोगों की आवाज सुनी तो चला आया। नहीं, मेरा मतलब मैंने तो तुझे यहाँ बुलाया है, फिर तू यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रहा है? ये क्या बोल रहा है? देख शांतनु, अब हमारे और तुम्हारे बीच में वो दोस्ती नहीं रही, और ना ही हम तुमसे दोस्ती रखना चाहते, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे पर अगर तुम लोग मुझे बुलाते नहीं तो मैं क्यों आता? किसने बुलाया तुझे? टीना ने तो अपनी कहानी सुना के मुझे बुलाया। टीना? शांतनु, तुझे कितनी बार कहा, राहुल कितनी बार आके टीना से दूर रहकर? राहुल, राहुल, पिछली बार की तरह दोबारा तूने मेरी बेइज्जती की है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। देख शांतनु, I'm really very sorry. यार गुस्से में भूल गया, भूल जाना, I'm sorry, माफ कर दे। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा राहुल, अब मेरी बारी, अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल चल निकल यहाँ से। अरे देख लेंगे क्या बिगाड़ता है, चल फूट यहाँ से। 10 दिन के अंदर अंदर देख अब मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू तो गया। शांतनु मेरी बात, शांतनु मेरी बात सुन, शांतनु। मैं यहाँ चुप रहकर कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तुम तो देर रात तक काम करते हो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? कुछ कर पड़े इसका पीछा करना पड़ेगा।
सुनो ए शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ शैतानी शक्ति, शैतानी शक्ति आ जाओ, आ जाओ ए शैतानी शक्ति, मेरे पास आओ, आ जाओ। जानती नहीं हूँ। हेलो राहुल, अब कैसे हो? अच्छा हुआ तुझे होश आ गया, वरना आज की पार्टी की तो पूरी बैंड बज जाती। कौन सी पार्टी? तुझे पता नहीं? अरे आज राहुल की बर्थडे है। वैसे कलर अच्छा हुआ जो तूने उसे बचा लिया, वरना हाँ, इसीलिए अगर तुम पुरानी बातों को भुलाकर राहुल की बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं जरूर आऊंगा। अभी चलता हूं, शाम को मिलता हूं। वैसे हैप्पी बर्थडे, अपना ख्याल रखना। पार्टी में भी कोई इतना लेट आता है क्या? हाय राहुल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। राहुल कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी तुमने। वो मैं एनीवेज चलो अभी केक काटते हैं, चलो। हाय राहुल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। कहाँ थे अब तक? मैं खाऊंगा ये। हैप्पी बर्थडे राहुल। राहुल अजीब पेंटिंग है, कितनी सुंदर भी है, किसने भेजी है? कमाल के दोस्त है राहुल के। ये क्या हो रहा है? Thank you.
कुछ नहीं, देखे जरा बर्थडे बॉय अपने हाथों पे क्या लिखवा के लाए। ये क्या है जी? आज तुम्हारे जन्मदिन के बाद से तुम्हारा समय बदल जाएगा। बहुत बुरा साया है तुम पर। किराने वाला पागल हो गया। दरवाजा बाहर से लॉक है, अंदर कोई नहीं है। अरे मेरी दादी कहां से आ गई? ये किराने वाला भी ना।
अंदर कैसे? मेरे बच्चे, तू आ गया? इतनी घेर लगा दी आने, पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और बाहर जाते हुए घर तो ढंग से बंद कर जाता, पता है दरवाजा खुला था राहुल। आप है कौन और मेरा नाम कैसे जानती है? बेटा, तू अपनी दादी को नहीं पहचानता? पहचानेगा भी कैसे, वो इतनी मेरी है। मैं ही तुझे मिलने नहीं आई। तुम्हारे पिताजी गांव से शहर चले गए, तब से मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, किसी को नहीं देख पाई। लेकिन मेरे माँ बाप तो वो एक्सीडेंट में। मत बोल, मत बोल। मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तभी तो उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित करने आई हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद तुम्हारा पता मिला है मुझे। क्या हुआ बेटा, अपनी दादी को देखकर खुश नहीं हो? बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, और मेरा बेटा तो तू ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है इस दुनिया में। हाँ, नहीं, तू मेरी चिंता मत कर, मैं इस छोटे से कमरे में रहूंगी, तेरे साथ रहूंगी। अचानक मेरी दादी कहां से आ गई? ये सब हो क्या रहा है? Thank you.
रोने की आवाज, कौन हो सकता है? अब मैं क्या करता हूं तेरे साथ? ये सब शांतनु कर रहा है। राहुल, ईशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब वो आत्माएं कर रही हैं, और इन सब के पीछे शांतनु का हाथ है। उन आत्माओं ने मेरी बहन को मारा है और वो मुझे भी मार दिया। दादी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। टीना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दादी को कौन संभालेगा? हाँ, तुमने बताया था उनके बारे में फोन पर, लेकिन कहाँ है वो? ये टीना है, मेरी होने वाली पत्नी। और टीना ये मेरी दादी। बहुत सुंदर है, तुम दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ। ये तुम्हारी दादी है? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ राहुल, मैंने इन्हें जरूर कहीं देखा है। मुझे इनका चेहरा याद है, पर कहाँ देखा है? टीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दादी को कैसे देख सकती हो? वो अभी भी तो गांव से आई है। गांव से आई है? हाँ। चाय। मैं उठा लेती हूँ। सॉरी सॉरी, मैं दूसरी चाय लेकर आती यही रुको, कहीं जाना मत।
आप ठीक तो हैं? कोई मदद करो आपकी। सबको मार, पहले ईशा को मार, फिर टीना को भी मार दे, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ मुझे क्या दादी की तस्वीर, दादी को फांसी दी गई थी, इसका मतलब ये सब दादी की आत्मा कर रही है, ये दिया किसने, आए कहाँ से? Thank you.
तनु को पता होगा। जो ये सब कुछ कर रही है, पहले मेरी बहन ईशा को मारा, उसके बाद टीना को मारा, तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं, नहीं। बड़ी देर लगा दी तुमने आने में, कैसे हो? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम नहीं जानते क्या हुआ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब तुमने किया है शांतनु। ये शैतानी आत्मा को तुमने मेरे घर में भेजा। शांतनु, मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, टीना को खो दिया, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मुझे बचा, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया शांतनु। अब याद आ रही है तुम्हें अपनी गलती? जब अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठ के मेरी मजाक उड़ाते थे, तब क्या हुआ था तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी। ऐसा मत कह शांतनु, मैं जानता हूं कि सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मुझे बचा ले, फिर शैतानी आत्मा को मेरे घर से भगा दे, प्लीज। कोई कुछ नहीं कर सकता राहुल। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें उस पेंटर के पास लेके जा सकता हूँ जिसने ये पेंटिंग बनाई। शायद वो कुछ बता पाए। चल, मुझे उस पेंटर के पास ले चल, चल जल्दी कर, वरना बाद में मुझे नहीं मारेगी। चल, चल। इसी को दी थी मैंने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। वापस क्यों ले आए उसे? क्यों ले आए वापस इसे? क्यों? क्यों?
जाओ इसे, ले जाओ यहां से बाहर, बाहर ले जाओ इसे। तुमने तुमने तो वादा किया था कि तुम इसे यहां वापस नहीं लाओगे, तो फिर क्यों लाए हो यहां? क्यों? और तुम यहां क्यों आए हो? कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। तुम मरोगे, तुम मरोगे। बचा लो मुझे। अरे मैंने उस बुढ़िया का क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती है मुझे? तुम जानना चाहते हो कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। साल पहले की बात है, गांव में वो औरत एक अनाथ आश्रम चलाती थी। मुझे पेंटिंग का हमेशा का शौक था और मैंने उस लम्हे को पेंटिंग में कैद कर लिया और तब से उस औरत की आत्मा इस पेंटिंग में रह गई। मैं जानता था ये पेंटिंग मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी इस पेंटिंग को खरीदता वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता और औरत के साथ इस पेंटिंग में कैद हो जाता। ऐसा ये मैं कहाँ है? ये तो वही जगह है ना जहाँ इसे फांसी दी गई थी। हाँ, अब तुम्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। तुझे क्या लगा मैंने तुझे घर से क्यों भागने दिया? मुझे यहाँ तक लाने के लिए। शांतु, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगी तो फिर बदला कैसे पूरा होगा? खरीद कर अपने घर ले जाएगा। कहीं वो आप तो नहीं?